सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। पंडित जी, देवउठनी 11 के बाद से ही विवाह का मुहूर्त शुरू हो जाता है। इस बार की अगर बात की जाए तो शादी के मुहूर्त के लिए योग कब से बनने वाले हैं? देखिए, वैसे होता यह है कि जैसे ही तुला राशि से सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो विवाह के मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं, और विवाह मुहूर्त में जो श्रेष्ठ मुहूर्त माने जाते हैं वो 10 रेखा के माने जाते हैं, इसके अलावा 9 रेखा के माने जाते हैं, 8 रेखा के माने जाते हैं, इसके अलावा 7 रेखा के मुहूर्त भी माने जाते हैं जी। 19 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक लगातार विवाह के मुहूर्त रहेंगे और इस दौरान विवाह कर सकते हैं। इसके पश्चात 3 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक कई विवाह के मुहूर्त रहेंगे। इनमें शुभ मुहूर्त जो वर कन्या की राशि होती है उसकी राशि के अनुसार विवाह संपन्न किए जा सकेंगे। क्योंकि 16 नवंबर को सूर्यदेव का जो है प्रवेश हो जाएगा वृश्चिक राशि में, उसके बाद से विवाह के मुहूर्त प्रारंभ होंगे 19 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। इसके बाद 3 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक विवाह के सारे शुभ मुहूर्त लगातार रहेंगे। इनमें वर कन्या की कुंडली के अनुसार, उनकी नाम राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार मिलान किया जाता है। इसमें त्रिबल शुद्धि देखना आवश्यक होता है। त्रिबल शुद्धि का अर्थ होता है पहले चंद्र बल देखा जाता है वर कन्या का कि चौथा आठवां बारहवां तो नहीं है, उसके बाद वर का सूर्य बल देखा जाता है। वर को चौथा आठवां बारहवां सूर्य नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो होता है लड़की के लिए अर्थात कन्या के लिए गुरु बल शुद्धि भी देखना आवश्यक होता है। तो गुरु बल अर्थात लड़की को चौथा आठवां बारहवां गुरु तो नहीं है, यदि ऐसी स्थिति में है तो उनके लिए निदान पूजा आदि करके उनका विवाह संपन्न किया जा सकता है जी। बहुत अच्छी बात पंडित जी आपने बताया अभी कि कब से कब तक मुहूर्त है, कब से आप विवाह कर सकते हैं, और कुंडली मिलान की यहाँ पर आपने बात की। हिंदू रीति रिवाज में अगर देखा जाए तो कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो वर और वधु की कुंडली जरूर मिलाई जाती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली मिलान क्यों इतना जरूरी है? देखिए, कुंडली मिलान इसलिए आवश्यक होता है कि पति पत्नी के बीच में जो नया जीवन उनका प्रारंभ हो रहा है उनके मध्य वैचारिक मतभेद नहीं रहे, सभी प्रकार से उनके विचारों में समानता रहे। क्योंकि एक नए जीवन की तरफ उनका आगमन हो रहा है तो वो दोनों मिलकर के एक नए भविष्य का, नए जीवन का निर्माण कर सकें, इसीलिए कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक होता है। कुंडली मिलान में यदि हम देखें तो दोनों की कुंडली का सबसे पहले निर्माण किया जाता है, और उसमें हम देखते हैं कि न्यूनतम 18 गुण मिलना आवश्यक होता है। अधिकतम वैसे 36 गुण होते हैं लेकिन न्यूनतम 18 गुण का मिलना अत्यंत आवश्यक है। उसमें ये देखना होगा कि नाड़ी दोष तो नहीं है, या फिर उनमें गण दोष तो नहीं है, या फिर उनमें और अन्य कोई दोष तो नहीं है, या फिर उनमें ग्रह मैत्री है या नहीं। ग्रह मैत्री का भी होना आवश्यक होता है। ग्रह मैत्री का अर्थ ये होता है कि दोनों की राशियों के जो स्वामी होते हैं उनमें मित्रता होना आवश्यक है। यदि उनमें मित्रता नहीं रहेगी तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद लगातार उत्पन्न होते जाएंगे। तो इसमें ग्रह मैत्री यदि मिल रही है तो बाकी सभी चीजें जो है गुण मानी जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मंगल दोष का। मंगल दोष भी देखना आवश्यक होता है, क्योंकि मंगल दोष यदि किसी की कुंडली में है, वर की कुंडली में यदि मंगल दोष है और कन्या की कुंडली में मंगल दोष नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, या वर या कन्या किसी एक की अल्पायु योग भी इसमें बन जाता है कई बार। तो ऐसी सावधानियां इसमें रखना आवश्यक होता है। वैसे भी मंगल दोष के कई प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि यदि वर की
कुंडली में मंगल जहां पर बैठा है, वहीं कन्या की कुंडली में शनि राहु केतु या कोई प्राप ग्रह बैठा है तो मंगल दोष का निदान हो जाएगा। वैसे कुंडली में हम देखें तो 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल यदि है तो सामान्य तौर पे मांगलिक दोष माना जाता है, लेकिन इन स्थानों में जहां पर मंगल बैठा हुआ है उसी स्थान में वर कन्या की कुंडली में यदि राहु केतु शनि बैठे हैं तो मंगल दोष का परिहार स्वतः माना जाता है। इसके अलावा यदि केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 10 और 9वां पंचम नवा और पांचवा इन घरों में यदि गुरु और चंद्रमा बैठे हैं ऐसी स्थिति में मंगल दोष प्रायः समाप्त माना जाता है। तो मंगल देव दोष के परिहार के बारे में भी विचार कर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल बैठा हुआ है तो मंगल दोष लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात यह होती है कि जिसको मंगल दोष आ रहा है उसकी उम्र यदि 28 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि 28 वर्ष की जब उम्र व्यक्ति की हो जाती है तो मंगल दोष उसका स्वतः समाप्त माना जाता है। तो ऐसे कई योग संयोग बनते हैं जिनके द्वारा कुंडली का मिलान किया जाता है और कुंडली मिलान के बाद में विवाह का शुभ मुहूर्त भी तय किया जाता है। जी, तो अभी हमने जाना कि कुंडली मिलान का महत्व क्या है, क्यों है इतनी जरूरी कुंडली का मिलान करना। पंडित जी, अभी आपने दोषों की बात की, नाड़ी दोष की बात की, मंगल दोष की बात की, इन दोषों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय होते होंगे, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को वो बताएं। देखिए, यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष आ रहा है तो उनको मंगल दोष की शांति पूजा भी वो करके मंगल दोष की शांति कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वो चाहें तो गाय को मसूर की दाल और गुड़ यदि 11 मंगलवार तक खिलाते हैं तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा वो जो है मंगल की जो वस्तुएं हैं, जैसे लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, तांबा है और लाल पुष्प है, ये वस्तुएं यदि 5 मंगलवार तक दान कर देते हैं तो इससे मंगल दोष समाप्त माना जाएगा। इसके अलावा जो नाड़ी दोष होता है, क्योंकि नाड़ी दोष का भी अपना एक प्रभाव होता है और नाड़ी दोष के कारण कई बार संतान संबंधी समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती है, तो इससे निजात पाने के लिए नाड़ी दोष की शांति का एक विधान बताया गया है। उस शांति के माध्यम से भी नाड़ी दोष को शांत किया जाता है। इसमें विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई जाती है नाड़ी दोष की। इसके अलावा नाड़ी दोष शांति के लिए गौ दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। गौ दान करने से भी नाड़ी दोष समाप्त होता है। चूंकि गायों के अंदर नवग्रहों का वास है, सभी देवताओं का वास है, तो गाय को संबंधित वस्तुएं खिलाने से या गौदान करने से सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इन दोषों की शांति करवाने के बाद ही विवाह मुहूर्त तय करना चाहिए, तभी उनका जीवन सुखमय और पूरी तरह से समृद्धिदायक बन सकेगा। जी, तो अभी हमने जाना कि नाड़ी दोष या मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है तो उसकी शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे समाप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कई बार महिला या पुरुष की शादी में कई अड़चनें आती, कई साल से शादी फिक्स हो जाती है पर नहीं हो पाती किन्हीं कारणवश, तो हम चाहेंगे कि ऐसे कुछ उपाय आप बताएं जिनसे उनकी शादी इसी मुहूर्त में हो जाए। देखिए, विवाह में रुकावट आने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कुंडली में गुरु का कमजोर होना। लड़की की कुंडली में, कन्या की कुंडली में यदि गुरु की कमजोर स्थिति है तो ऐसी स्थिति में उसके विवाह में बाधाएं उत्पन्न होगी, और लड़के की कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो ऐसी स्थिति में लड़के के विवाह में बाधा उत्पन्न होगी। तो बृहस्पति की प्रबलता के लिए कन्या को सबसे पहले पुखराज धारण कराना चाहिए। पुखराज पहनाने से विवाह शीघ्र हो जाता है। इसके अलावा जो पीला कपड़ा होता है उसमें चने की दाल गुड़ का दान किया जाए गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाया जाए। इसके अलावा पीले गुरुवार का अर्थात 11 गुरुवार तक पीला भोजन करना है, हल्दी और केसर के जल से स्नान करना है और पीले वस्त्र धारण करना है। ये सब करने से कन्या के विवाह
विवाह का जो भी दोष है वो समाप्त हो जाएगा, और जो वर है उनकी कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो उनको इस दोष से निजात पाने के लिए सूर्य संबंधी पूजा आराधना करनी चाहिए और सूर्य संबंधी लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके करने से उनका विवाह योग शीघ्र ही बन सकेगा। जी, तो अभी हमने जाना कि अगर आपकी शादी में अड़चने भी आ रही हैं तो आप कुछ उपाय कीजिए जिससे आपकी शादी जरूर हो जाएगी। तो आज हमने जाना कि देवउठनी ग्यारस का महत्व क्या है, तुलसी विवाह क्यों है इतना जरूरी, और शादी के मुहूर्त और कुंडली मिलान के बारे में हमने जाना। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। इसी के साथ हमारे स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।